हेलो बच्चों, ये मेरा परम्यूटेशन कम्बिनेशन का 6th वीडियो है। इसमें हम करेंगे सर्कुलर परम्यूटेशन। तो फर्स्ट, टू फाइंड द नंबर ऑफ वे इन विच एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड एट अ राउंड टेबल। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट एन माइनस वन। जैसे मान लो हमारे पास एक सर्कल है, उस पर हमने एन ऑब्जेक्ट्स जो अरेंज करने हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, तो हमें एक को फिक्स करना पड़ेगा। तो बाकी बचे एन माइनस वन, तो एन माइनस वन फैक्टोरियल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। सेकेंड कंडीशन, इफ देयर इज नो डिस्टिंक्शन अरेंजमेंट इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, देन नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल। जो ये अरेंजमेंट है फर्स्ट, ये हमारा पर्सन्स के केस में या फिर डिफरेंट ऑब्जेक्ट के केस में होगा। ये हमारे पास तब होगा जब हम गार्लैंड, नेकलेस वगैरह का जो क्वेश्चन है वो करेंगे। उसमें क्या होगा कि मान लीजिए आपको ऐसा गार्लैंड बनाना है जिसमें आपने ऐसे फ्लावर लगा दिए, ए बी सी डी ई एफ। तो सिमिलरली यहाँ ए बी सी डी ई एफ। तो ऐसा अरेंजमेंट हम गार्लैंड को इस तरह से लेके जा सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं। तो इसमें हम जो करेंगे एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन टू लगाएंगे। ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, दोनों ही केस एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए हैं। ये भी केस जो है एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, ये भी केस हमारे पास एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए है। अगर हमें सिमिलर प्रॉब्लम आती है, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो यहाँ उस फैक्टोरियल से डिवाइड करें। जैसे मान लो इसमें तीन चीज़ें जो हैं सिमिलर्स हैं, तो यहाँ थ्री फैक्टोरियल से इसे भी डिवाइड करेंगे, और सेकंड केस में भी ऐसा ही होगा। तो इसे नोट कीजिए, ध्यान से इरेज कर दें। ऐसा हम स्टेटमेंट में देखेंगे, जब स्टेटमेंट के क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व, तो हमें एग्जांपल में इसको पता लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर सिक्स जेंटलमैन एंड फाइव लेडीज टू डाइन एट अ राउंड टेबल, इन हाउ मैनी वे कैन दे सीट themselves सो दैट नो टू लेडीज आर टूगेदर। तो हमें सबसे पहले जेंटलमैन बैठाने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स टू सिट मैन इज इक्वल टू, तो यहाँ मैन है हमारे पास सिक्स, तो यहाँ होगा सिक्स माइनस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू फाइव फैक्टोरियल। तो आप एक राउंड टेबल बनाएं ऐसे, जहां आप सिक्स मैंस को बिठा दीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स। ये एम वन, एम टू, एम थ्री, एम फोर, एम फाइव, एम सिक्स। तो यहां तक नोट कीजिए। अब हम फाइव लेडीज को सिट करेंगे। तो यहां देखिए, जो फर्स्ट लेडी है, हम यहाँ वन प्लेस, टू प्लेस, थ्री प्लेस, फोर, फाइव और सिक्स। तो हम किसी भी जगह पर फर्स्ट लेडी को बिठा सकते हैं। तो सेकंड लेडी को हम फाइव जगह पर, थर्ड लेडी को हम फोर जगह पर, इस तरीके से बिठा सकते हैं। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट टू सिट वुमेन इज इक्वल टू सिक्स मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू। तो ये हो गया हमारे पास 720। तो रेज कर दें नीचे से। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो है हमारे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो हो गए हमारे पास फाइव फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 720। तो 120 मल्टीप्लाई 720, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ गया 86400, दैट इज द आंसर। नोट कीजिए, इसको इरेज कर दें। तो हाउ मैनी डिफरेंट नेकलेस कैन बी फॉर्म्ड विद सिक्स व्हाइट एंड फाइव रेड बीड्स। तो यहां सिक्स व्हाइट जो बीड्स हैं वो भी सेम है, और फाइव जो रेड बीड्स हैं वो भी सेम है। तो टोटल हमारे पास 11 बीड्स हैं। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट
अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू 6 + 5 = 11 -1 फैक्टोरियल। तो यहाँ हो गया हमारे पास 11 -1 फैक्टोरियल, और यहाँ हमने एक नेकलेस बनाना है तो 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ हमारे पास 6 सेम वाइट जो हैं बीड्स हैं, तो यहाँ 6 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे और यहाँ हम साथ में ही 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस केस में जो 6 वाइट और 5 रेड बीड्स हैं वो बिल्कुल सेम हैं। अगर ये डिफरेंट होते तो ये हम यहाँ पर नहीं लगाते। तो अब हमारे आंसर हो गया 10 फैक्टोरियल / 2 × 6 फैक्टोरियल। तो इसे 5 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते हैं, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो यहाँ ऊपर भी हम 10 को एक्सपेंड कर लेते हैं, तो 10 × 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसल आउट, तो यहाँ 2 कैंसल आउट हो गया 8 से, तो यहाँ भी 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 2, ये 2 4 से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ 1, तो ये अब 5 से कैंसिल, 10 से कैंसिल आउट हो गया, अब 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो अब रह गया 3, 3 को 9 से कैंसिल आउट कीजिए, तो 7 × 3 = 21 आंसर। नोट कीजिए इसको भी ध्यान से, नोट कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वे कैन 5 persons A, B, C, D, E सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल इफ बी एंड डी सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। तो फर्स्ट पार्ट बी और डी को हमने साथ में बिठाना है, तो ये राउंड टेबल, तो यहाँ हम एक ही जगह बी और डी को 2 चेयर्स पे बिठा देते हैं, बाकी हमारे पास ए सी और ई ये हमारे पास बैठ जाएंगे। तो हमारे पास ये जहाँ देखिए हमारे पास 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट और 4 यूनिट। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू 4 − 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ बी और डी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं पोजीशन, तो इसलिए हमें 2 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल। तो हमारे पास आ गया 3 × 2 × 1 × 2 × 1, तो हमारे पास आंसर आ गया 12। तो इसे नोट कीजिए, नोट कर लिया, अरेज कर दें इसको। तो अब ए और डी नॉट सिट टुगेदर, तो हम टोटल टुगेदर वाले केस यहां पर भी काउंट करेंगे, तो टोटल टुगेदर वाले केस हमारे पास इसी तरीके से 12 ही आएंगे, जिसमें ए और डी नेक्स्ट टू ईच अदर बैठेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ केस, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जिनमें हम ए बी सी डी ई सभी को हमने अरेंज करना है, तो 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल हो गया 24, और इसमें से 12 केस ऐसे हैं जिसमें ए और डी साथ में आएंगे। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट यहां देखिए, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ए एंड डी नॉट सिट नेक्स्ट टू ईच अदर इज इक्वल टू 24 − ए और डी कंबाइन में, वो हमारे पास 12 जो पिछले में आंसर आया था फर्स्ट पार्ट में सेम, तो यहां आ गया 12। तो इसे बोलते हैं हम स्ट्रिंग मेथड। स्ट्रिंग मेथड जब हमें ए और डी को इकट्ठा नहीं बिठाना, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट में से जब ये दोनों इकट्ठे बैठेंगे वो अरेंजमेंट हमने सब्ट्रैक्ट कर देने हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसे बोलते हैं स्ट्रिंग मेथड, नोट कीजिए इसको भी, इरेज कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ 8 कंट्रीज मीट टुगेदर टू डिस्कस अ प्रॉब्लम इन हाउ मेनी वे
दे कैन सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल इफ इंडिया एंड चाइना प्राइम मिनिस्टर्स आर नॉट सिट टुगेदर। तो यहाँ हम टोटल नंबर ऑफ अनेमेंट्स जो है पहले निकालेंगे, तो हमारे पास 8 प्राइम मिनिस्टर्स हैं, तो नंबर ऑफ टोटल अरेंजमेंट, नंबर ऑफ टोटल अरेंजमेंट जो हो गया हमारे पास 8-1 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो हमारे पास हैं वो 7 फैक्टोरियल्स हैं, तो ऊपर से इरेज करते हैं। अब हम इंडिया और चाइना प्राइम मिनिस्टर को इकट्ठे ही बिठाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ देखिए एक राउंड टेबल पर इंडिया और चाइना हम दोनों को इकट्ठे बिठाते हैं, तो हमारे पास जो बाकी हैं 6 बचे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो देखने में हमें ये 7 यूनिट्स लगेंगे। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच इंडिया एंड चाइना प्राइम मिनिस्टर सिट टुगेदर इज इक्वल टू, अगर इंडिया और चाइना को हम एक मान लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ 7 हमारे पास प्राइम मिनिस्टर्स हैं, तो 7-1 फैक्टोरियल। इंडिया और चाइना आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये 2 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो है टोटल में से हम ये 7 वाली कंडीशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कीजिए, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 2, तो यहाँ 6 फैक्टोरियल कॉमन, 7-2, तो 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5, तो 6 फैक्टोरियल का आ गया 720 मल्टीप्लाई 5, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3600। दैट्स ऑल।